तो हमने ये टॉपिक्स जो है ना वो काफ़ी हद तक हम एंड पे आ गए हैं। आज का हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप्स का टॉपिक है। अभी तक हम ये देखते आए हैं कि जी ये हमने अभी तक डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात की, तो ये लिंक्स जो थे। अच्छा चलें, हमने जो एजिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखी थी वो क्या रखी थी कि दो नोड्स हैं उनके दरमियान जो एज है इसको हमने एक तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का देखा था। दूसरा और क्या चीज़ हमने देखी थी कि वीक और स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। और हमने जो रिलेशनशिप है उसको उसकी एग्जांपल्स ये देखी थी कि ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फॉलोअर है, या उसको तो आप जब आप ग्राफ नोटेशन की तरफ जाते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में है। किस चीज़ को आप नोड कहेंगे, कितनी किस्म की नोड्स होंगी, क्या फोकल पॉइंट्स भी होंगे और इंडिपर्सन्स भी होंगे, फोकल पॉइंट्स कितने टाइप के होंगे, तो आप मल्टीपल टाइप की नोड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू मॉडल द ग्राफ। इसी तरह आपके पास ये भी चॉइस है कि आप जो डिफाइन करेंगे ये जो एरो है या जो ये जो रिलेशनशिप है इसका मतलब क्या है, क्या नोड ए जो है वो नोड बी को फॉलो करती है, लाइक करती है, इसकी फ्रेंड है, क्या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए रिजाइड्स इन बी, हो सकता है बी जो हो एक सिटी हो और ए जो हो वो एक पर्सन हो, तो ए रिजाइड्स इन बी को भी आप कह सकते हैं। मतलब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू इस्लामाबाद विच इज़ अ सिटी एंड ए इज अली विच इज अ पर्सन, ठीक है। अब आप इस रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे R1, फॉर एग्जाम्पल R1 इज लिव्स इन, ठीक है। फिर एक और रिलेशनशिप हो सकती है R2 विच कैन बी लाइक्स रिलेशनशिप। सो R2 मीन्स ए लाइक्स बी, ठीक है। अब नाउ इट इज अप टू यू। नॉर्मली होता ये है कि जो भी आप ग्राफ डेटाबेस बनाते हैं या ग्राफ की फॉर्म में ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है उसकी पावर ये है, एंड एंड दैट इज हाउ इट्स पॉसिबल टू हैंडल बिग डेटा, एंड व्हेन यू रन द क्वेरीज द रिजल्ट्स कम इन वेरी फास्ट, द प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड इज नॉट अलॉट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल नोड्स आपस में मल्टीपल रिलेशनशिप से कनेक्टेड होती हैं। ये जो कनेक्टेडनेस है दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स बिग डेटा मैनेजेबल। तो मल्टीपल नोड मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं R3 बॉर्न इन, ये R3 है, R4 वेंट टू कॉलेज इन। अब ये पूरी रिलेशनशिप है, इसका आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ कॉलेज कर लें, ठीक है। तो R4 ये हो गई। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से मल्टीपल लिंक्स, और अब ये देखें ये जो नोड है ये भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रिलेशनशिप भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सर्च फॉर पीपल हु हैव वेंट टू कॉलेज इन इस्लामाबाद बट आर नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है, वर नॉट बॉर्न इन इस्लामाबाद, तो आप ये सर्च डालेंगे तो आपको ऐसी रिलेशनशिप्स में से इस तरह से फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि कौन सी नोड्स हैं जिनकी सिर्फ बॉर्न इन रिलेशनशिप है बी के साथ, कौन सी ऐसी नोड्स हैं, वालेकुम सलाम, जिनकी वेंट टू कॉलेज या कॉलेज रिलेशनशिप्स हैं बी के साथ। सो दिस इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड। अब यहां पे जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, टेबल्स का, वो खत्म हो गया है। नाउ इस ए नोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
फिर रिलेशनशिप्स की प्रॉपर्टीज है, ए नोड की प्रॉपर्टी विद कॉन्टेक्स्ट टू इट्स रिलेशनशिप विद बी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं. तो दैट इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट मीनिंग ऑफ मतलब रैंडम सीमिंगली रैंडम इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी मीनिंग्स हम निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि एस टू कॉन्सेप्चुलाइज कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमने टॉपिक मॉडल्स की बात की थी कि हम सिर्फ एक टॉपिक डालें और उससे रिलेटेड इंडिविजुअल, उससे रिलेटेड न्यूज स्टोरीज, उससे रिलेटेड टाइम लाइन्स, इस तरह गूगल के अंदर भी ऐसा ही होता है तो वो कैसे सर्च करता है, उसके बैकग्राउंड में भी डेटा इस तरह से आपस में मल्टीपल रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड होता है. तो क्या हम गूगल तो वो सर्च करके बता देता है, क्या हम उसको एक कस्टमाइज्ड डेटाबेस जो कि और भी ज़्यादा फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हम इंडेक्सिंग अपनी तरह से करें कि हमारे पास एक रिच सर्च इंजन बन जाए लोकल टॉपिक्स से रिलेटेड या लोकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. तो उसके अंदर भी फिर यही था कि हमें मल्टीपल जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट का होगा रादर देन इंडिविजुअल नोड्स का, और जितना ज़्यादा रिच ये डेटा होगा उतना ज़्यादा यूजफुल हमारा सर्च इंजन या डेटाबेस होगा. अच्छा, अब आपने ये डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप्स देख ली, अब आप देखें कि कौन सी रिलेशनशिप में वीक एंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कौन सी रिलेशनशिप में अब क्या फॉर एग्जांपल बॉर्न इन जो रिलेशनशिप है इसको डायरेक्शनल होना चाहिए कि अनडायरेक्टेड होना चाहिए. And now these are the kind of decisions, there is no fixed rule. These are the kind of decisions that you are going to make when, मतलब अगर आप अपना graph define करना चाहते हैं कि चूंकि born in जो है वो it is a relationship between a person and a city and a place, a geographical location. तो उसके अंदर अगर मैं direction ना भी show करूँ तो because of the nature of the nodes it would be easy to understand कि क्या मतलब है, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई करना इज अनदर डेटा बिट, एक और बिट या बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्टोर कर रहे हैं जिसकी आपको शायद जरूरत नहीं है. डायरेक्शनल ग्राफ को क्रिएट करना मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा एरर का चांस होता है, उतनी ज्यादा इंडेक्सिंग होती है, उतनी ज्यादा स्पेस मेमोरी में होती है और सर्च करते वक्त. लेकिन नाउ सो टेलिंग यू के these are the kind of decisions that you will have to make eventually when you do this. ab kuch relationship mein weak or strong sense banata hai, kuch mein nahi banata. likes ki jo r2 hai wo shayad weak or strong hum define kar sake, r1 jo hai lives in isko weak or strong hum iske koi meaning nahi hai. isi tarah अगला पॉइंट ये है कि R2 है लाइक्स. R2 अगर हमने ऐसी इंफॉर्मेशन रखनी है कि कोई डिसलाइक करता है, ठीक है, तो अगर हमने लाइक्स की रिलेशनशिप रखी हुई है तो इसका मतलब है कि हमें एक R5 डिसलाइक्स का भी डालना पड़ेगा. आ जाए तो R5 हम कह देते हैं कि ये डिसलाइक रिलेशनशिप है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं मेजर करती, बल्कि नाउ इट इज डिपेंडिंग अपॉन क्या पर्सोना नॉन ग्राटा के भी एक कॉन्सेप्ट है. पर्सोना नॉन ग्राटा का क्या मतलब होता है कि ये इंडिविजुअल ही इज नॉट वेलकम हेयर जी, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद डजेंट लाइक समबडी. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वॉन्ट टू डिफाइन, इट्स लिमिटलेस. तो जब आप लाइक्स रिलेशनशिप डालेंगे तो फिर आपको एक और रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी डिसलाइक्स, जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और इट विल टेक अनदर सम पोर्शन ऑफ मेमोरी. तो इसको आप इस तरह से कैटर कर सकते हैं कि आप लाइक और डिसलाइक को की बजाय आप रिलेशनशिप्स की पोलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि दो रिलेशनशिप बनाएं लाइक्स और डिसलाइक्स की, आपके पास एक और ये जो हम ऑप्शन आज देखने जा रहे हैं वो ये है कि आप रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन करें कि इन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो नाउ टुडे जो ये हमने
जैसे फॉर एग्जांपल हम R5 डिसलाइक्स को नहीं कह देते, हम कह देते हैं रिलेशनशिप, जस्ट रिलेशनशिप R5. सो R5 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. The terminology of online social network reflects a largely similar view through its emphasis on connections one forms with friends, fans, followers, and so forth. But in most network settings, there is also negative effects at work. Some relations are friendly, but others are antagonistic or hostile. There is controversy, disagreement, and sometimes outright conflict. How should we reason about the mix of positive and negative relationships that take place in a network? तो वैसे भी अगर देखा जाए conflict के बगैर तो किसी भी चीज़ का कोई movie का भी movie के अंदर भी plot के अंदर एक conflict होता है. तो जब तक conflict ना हो वो resolve नहीं होगा, और जब तक resolve नहीं होगा तो एक जो sense of satisfaction है वो reach नहीं होगी. तो कोई भी study होती है, ज़्यादातर जो स्टडीज़ है उसके अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही हम वो सारी एफर्ट कर रहे होते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट को मॉडल कैसे करते हैं और उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स एंड बेनिफिट्स एंड उसके से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज क्या क्या हैं वो हम यस वी कैन रिमूव R2 वो हम इसको ख़त्म कर देंगे लाइक्स को. मतलब यहाँ हमने बात ये की थी कि हम R2 को किसी और तरह से मतलब लाइक और डिसलाइक की जगह सिर्फ हमने रिलेशनशिप का वो कर दिया. ओके सो अ रिच पार्ट ऑफ सोशल नेटवर्क थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ नेटवर्क एंड एनोटेटिंग इट्स लिंक्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. Positive links represent friendship, while negative links represent antagonism. And an important problem in the study of social networks is the understanding of tensions between these two forces. The notion of structural balance is one of the basic frameworks for doing this. Okay, so chunke we started off with nodes and then relationships and then the positive relationships and the polarity of the relationships. तो जब पोलैरिटी दो डिफरेंट किस्म की हो सकती है उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं. अगर आपको याद हो जो जो रिलेशनशिप्स हैं उनके वीक और स्ट्रॉन्ग होने की भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं. उनमें से एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वो था स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है कि स्ट्रेंथ ऑफ जो टाई है उससे हमें कुछ और मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. इसी तरह द इफ यू नो द पोलैरिटी ऑफ दिस लिंक्स बिटवीन डिफरेंट नोड्स we can gather some more information or we can make some critical conclusions about the nature of the relationship between the nodes and the overall nature of the network. kya wo kitna dynamics hoga, kya naye links banenge ki nahi banenge, kya kuch log links ki polarity change hogi ki nahi hogi. to ab tak humne ye dekha tha ki hum links ki presence ya links ke links create ho sakte hain aur links destroy ho sakte hain. to ab hum ye dekhte hain कि क्या लिंक्स की पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो सकती है, या उसके कॉन्सिक्वेंस जो है कि लिंक्स जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वजह से लिंक्स क्रिएट और ब्रेक भी हो सकते हैं. दैट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप. बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पोलैरिटी आपके पास एक नेटवर्क है उसके अंदर डिफरेंट नोड्स के दरमियान डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स हैं जिनकी डिफरेंट काइंड ऑफ पोलैरिटीज़ हैं. तो क्या हम उस एक स्नैपशॉट से क्या हम ये असेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या पोलैरिटीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल एप्लीकेशंस ऑफ और द रीजंस व्हाई वी ब्रिंग इन द पोलैरिटी, क्योंकि हम फिर जो चेंज ऑफ पोलैरिटी है या जो डायनामिज्म है उस नेटवर्क के अंदर क्रिएट होता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन किसके साथ किसकी दोस्ती है, अगर तो किसके साथ उसकी कल को दुश्मनी हो जाएगी. This has implications in the field of international relations, international politics, and of course game theory and peace and conflict. जहाँ पे भी हमने conflict की बात की तो कि किस तरह से alliances develop होंगी, किस तरह से groupings create हो सकती हैं current में, आपकी society polarize हो सकती है कि नहीं हो सकती, कितने poles हैं या कितने poles establish हो जाएंगे with time, और फिर उसके बाद future में ये कि इतने ज़्यादा पोल्स हैं तो उसका क्या सोसाइटी के ऊपर बेनिफिट क्या होगा, उन उस पोलैरिटी का उस ग्रुपिंग का सोसाइटी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर या अदर सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या
फर्क पड़ेगा. सपोज वी हैव अ सोशल नेटवर्क ऑन अ सेट ऑफ पीपल इन विच एवरीवन नोज एवरीवन एल्स, सो वी हैव एन एज जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ नोड्स. सच अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ क्लीक और अ कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ वो होता है कि उसकी हर नोड हर दूसरी नोड से किसी ना किसी रिलेशनशिप पे जुड़ी हुई हो. वी देन लेबल ईच एज विद आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, प्लस और माइनस, प्लस इंडिकेटिंग टू एंड पॉइंट्स आर फ्रेंड्स, माइनस इंडिकेटिंग दैट द टू एंड पॉइंट्स आर एनिमीज. सो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है ये जो अभी मैंने बनाया है. क्यों नहीं है? सब नोड्स मतलब अगर ये कंप्लीट होता तो ई जो है वो ए से भी कनेक्टेड होना चाहिए था, डी से भी और सी से भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. द सेम रूल शुड अप्लाई फॉर एवरी नोड. तो सिंस ईच देर इज एन एज कनेक्टिंग ईच पेयर विद, वी आर अज्यूमिंग दैट ईच पेयर ऑफ पीपल आर आइदर फ्रेंड्स और एनिमीज. यानी कि एक्सक्यूज मी, हमने हर एज को कोई ना कोई पोलैरिटी देनी है और हर नोड को हर दूसरी नोड से कनेक्ट भी करना है. और हर नोड की कोई ना कोई, तो हमें ये पता चलेगा कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है. ईच पेयर विल आइदर बी फ्रेंड्स विद ईच अदर और एनिमीज विद ईच अदर. जी, सिंपल केस के अंदर डायरेक्शन खत्म हो जाएगी. Thus, the model we are considering makes the most sense for a group of people small enough to have this level of mutual awareness, or for a setting such as international relations in which the nodes are countries and every country has an official diplomatic position toward every other country. Okay. क्या होता है? हम इसको फिर सिंपल जो केस है तीन नोड्स के केस से देखते हैं. पहला केस, तीनों आपस में दोस्त हैं, एवरीथिंग इज फाइन, दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क इज बैलेंस्ड. दो आपस में दोस्त हैं और तीसरे ये दो ग्रुप पेयर है वो आपस में दुश्मन है. दिस इज नॉट बैलेंस्ड. दो आपस में दुश्मन है और ये दो आपस में, ये आपस में दोस्त हैं, यानी कि ये तीन आपस ये दो नेगेटिव रिलेशनशिप है और एक पॉजिटिव है. This is also unbalanced. ये क्यों है ये अभी हम आगे देखेंगे. ये तीनों आपस में दोस्त मैंने ये क्यों balanced नहीं है इसकी भी हम कुछ रीजन देखते हैं. The two unbalanced labelings of the triangle on A, B, C introduce some amount of psychological stress or instability into relationships. A triangle with two pluses and one minus corresponds to a person A who is friends with B and C, but B and C don't get along well with each other. In this type of situation, there would be implicit forces pushing A to try to get B and C to become friends, thus turning B, C as into a plus, or else for A to side with one of B or C against the other. होगा ये कि या तो ये भी एज पॉजिटिव हो जाएगा या फिर ये एज नेगेटिव हो जाएगा या इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा. सो B एंड C विल से कि यार उन दोनों उसमें से और हम में से मुझ में से किसी एक का इंतखाब कर लें, क्योंकि मैंने तो उससे दोस्ती नहीं करनी. सो इफ वी ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाई स्ट्रेंथ, तो पता चलेगा अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव स्ट्रांग है और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और पॉजिटिव ये भी स्ट्रांग या वीक है और ये नेगेटिव भी बहुत स्ट्रांग है, फिर क्या होगा कि जिसके साथ पक्की दोस्ती है उसके साथ तो दोस्ती रहेगी, इसको उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की आपस में strong animosity hai. So now this information, if embedded in the network, will let us know, or will maybe help us predict which links are going to form,
which links are going to break, and how the polarity of the links is going to change over time. Iska fayda kya hai? बिल्कुल वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर ये नोड्स जो हैं ये कंट्रीज हैं तो कौन किसके ऊपर एम्बार्गोज लगाएगा, कौन किसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इंप्रूव करेगा. ट्रेड और कॉमर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये कंट्री लेवल की जहाँ पे भी आपकी फिर आपके आएगा कि नाउ यू कैन जो इंटरेक्शन बिटवीन द नोड्स हैं उसको भी आप मॉडल कर रहे हैं बीच में. सो दिस इज एन स्टेप अहेड फ्रॉम सिंपल एनालिसिस जो अभी तक हम देखते रहे हैं. अगर हम ये चीज़ इसमें इंक्लूड कर दें तो एंड वी नो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बैलेंस इज, तो हम ये देख लें अगर कि ये जो नेटवर्क है ये बैलेंस्ड है कि नहीं है. तो हम अगर वो बैलेंस्ड है तो वो उसकी और इम्प्लीकेशंस हैं, वो उसी तरह ही रहेगा. और अगर वो इम्बैलेंस्ड है इसका मतलब है कि उसने बैलेंस को सीक करना है. इट्स गोइंग टू ट्राई एंड सीक सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस. वो बैलेंस कौन सा होगा? वो बैलेंस ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये अब डिपेंड करता है कि इवेंचुअली क्या निकलेगा. लेकिन जो भी अनबैलेंस्ड नेटवर्क होगा वो बैलेंस सीक करेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड इनस्टेबिलिटी. वो जो स्ट्रेस है वो क्या है? अच्छा चले, वो स्ट्रेस है वो क्यों बैलेंस, इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ क्यों जाएगा, उसकी क्या वजह है, उसके अंडरलाइन क्या मेन प्रिंसिपल है, वो हम बाद में देखते हैं. अभी हम एक और बैलेंस की या इम्बैलेंस की बात करते हैं. देर आर सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अ कॉन्फिगरेशन वेयर ए बी एंड सी आर म्यूचुअल एनिमीज. ये इम्बैलेंस क्यों है? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. तो देर इज एनफ मोटिवेशन फॉर पीपल हु हेट वन पर्सन, इवन दो दे माइट हेट ईच अदर इज वेल, बट इफ देयर हेट्रेड फॉर समबडी इज सो ग्रेट दे माइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ट्राई एंड कोलैबोरेट विद ईच अदर. ताकि वो जिस तरह आपने कभी अगर रेसलिंग देखी हो तो उसके अंदर वो होता है जो रॉयल रंबल टाइप का वो होता है कि जी वो कहते हैं अच्छा जीतना तो एक ही बंदे ने है लेकिन हम दोनों मिलके पहले इसको मारते हैं, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्बैलेंस सिचुएशन वेयर एवरीबडी एल्सेस एनिमी. और दुनिया जो है वो वैसे ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में है, क्योंकि थियरीज तो ये कहती हैं कि अगर दुनिया तबाह हो जाए और सिर्फ चंद हज़ार लोग रह जाएँ तो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो चंद हज़ार भी आपस में किसी ना किसी इशू पे लड़ेंगे, रिसोर्सेज पे, और वो डिवीजन बना लेंगे. मतलब अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को ह्यूमन साइकोलॉजी को कहेंगे, ह्यूमन जो है ना वो इसी तरह रहेंगे, उसकी नेचर जो एक एसेंस है वो यही रहेगा. तो हमारी जो वर्ल्ड है वो अल्लाह ताला ने क्रिएट ही स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस किया है, तभी तो मज़ा आता है. वरना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब अच्छे अच्छे हों, तो फिर क्या मतलब क्या फ़ायदा है. बिल्कुल घर की घर में भी देखें ना, घर में भी कुछ कुवतें किसी और की नफ़रत में जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं, हालांकि आपस में भी कोई उनकी कोई ख़ास नहीं होती. तो दैट इज़ हाउ इम्बैलेंस और बैलेंस वर्क्स. तो जब भी इम्बैलेंस होगा बैलेंस की तरफ कुछ ना कुछ जाएगा. The argument of structural balance theorists is that because imbalanced or unbalanced triangles are sources of stress or cognitive dissonance, people strive to minimize them in their personal relationships and hence they will be less abundant in real networks. Achha. So cognitive dissonance kya cheez hai? Anybody who already knows what cognitive dissonance is? Resonance and dissonance. जी किसी को पता है कॉग्निटिव डिसोनेंस? ये है, ये सोचेगा कि यार एक इंसान जो इसको इतना बुरा लगता है मैं उससे दोस्ती क्यों कर
कर रहा हूँ, ये मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन इसको बहुत बुरा लगता है, और लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दो दोस्त, टू पीपल हु डोंट गेट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर, इफ़ यू आर एट गुड टर्म्स विद बोथ ऑफ देम, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें, आप एक कश्मकश में मुब्तला रहेंगे, और वो जो कश्मकश है वो आपको अंदर ही अंदर, उसकी जो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की। अब आपको पता, अगर मुझे पता है कि मैं एक काम गलत कर रहा हूं, मुझे पता है स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर मी एंड आई एम स्टिल स्मोकिंग, अगर मुझे 100% पक्का यकीन है कि सिगरेट पीने की वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत बुरे असर पड़ेंगे और फिर भी मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं जब भी सिगरेट पीऊँगा मुझे एक गिल्ट फील होगी और मुझे वो सब चीज़ें याद आएंगी और मैं अपने आप के साथ, आई वॉन्ट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ। मसला ये है कि मैं सिगरेट फिर भी नहीं छोड़ सकता और मैं उस लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेस में भी नहीं रह सकता, तो क्या करूँगा मैं? अगर मैं स्ट्रेस को किसी तरह से रिजॉल्व नहीं कर सकता तो मैं सुसाइड ही करूंगा। किस तरह से? सिगरेट को पीते रहेंगे, देखें, लेकिन स्टेट ऑफ डिनाइल। अच्छा, और क्या नहीं? अगर वही तो बात है ना, अगर गिल्ट को रिमूव करेंगे या सिगरेट स्मोकिंग को रिमूव कर, स्मोकिंग तो वक्त के साथ साथ बढ़ती है, वह तो ऐसी चीज है जो कम नहीं हो सकती। हाँ नहीं, तो वही बात है ना कि विल पावर भी नहीं है और पता भी है कि बुरे रोज वही गलती कर रहा है इंसान, ठीक है, वो कोई वजह है वो गलती कर रहा है ना, तो क्या होगा? स्टेट ऑफ डिनाइल इज वन वे आउट। यार नहीं, कोई इतने होगा, इतना नहीं कोई नुकसान दे, उतने सारे लोग हैं सारी जिंदगी से, वो फलाना सी और 9 साल का था और वो सिगरेट पी रहा था जब से वो 20 साल का था, तो उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो माशाल्लाह तो बड़ा सही था जी। हाँ, जो लिखी है मरना तो वैसे ही मर जाएंगे, वो फलाना था, वो उसको कैंसर हो गया, उसने कहा कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है ना, सारी जिंदगी मैंने सिगरेट पी ना शराब पी और एंड पे कैंसर से मर गया, यार ये क्या बात हुई। अच्छा, ये एक एक्सप्लेनेशन। तो हम फिर भी वो चीजें जिनको हम बुरा समझते हैं, वी स्टिल कीप ऑन डूइंग दैट बिकॉज वी ट्राई, बिकॉज वी इवेंचुअली कम अप विद सम वे ऑफ लीव जस्टिफाइंग थिंग्स, ताकि वो स्ट्रेस हमारी खत्म हो जाए। इस तरह जो भी इंसान जो भी कोई काम कर रहा होता है, जो हमें नजर आ रहा होता है यार ये इतना गलत काम कर रहा है, इसको पता नहीं है, उसको पता होता है, किसी पॉइंट पर उसको पता था, फिर उसने आहिस्ता 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 उसको जस्टिफाई करके, उसको भुला के, वो कहते हैं कि द बेस्ट लाइज आर द वंस वी टेल आवरसेल्व्स। हम अपने आप को झूठ बोल के इतना ज़्यादा कन्विंस कर लेते हैं कि फिर जब हम किसी और के सामने वही झूठ बोलते हैं, वो भी शायद मानने को समझता है कि ये सच है, और फिर उसके बाद उसका मकसद क्या होता है कि इस स्ट्रेस से अपने आप को, दिस इज द थिंग दैट हेल्प्स अस स्लीप एट नाइट डिस्पाइट ऑफ ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट वी डू ड्यूरिंग द डे, क्योंकि हम उनको ना, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। सो साइकोलॉजिस्ट फेस्टिंगर यूज टू टर्म कॉग्निटिव डिसोनेंस, यूज द टर्म दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस टू डिस्क्राइब आवर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन आवर एक्शंस आर नॉट कंसिस्टेंट विद आवर बिलीफ्स। For example, when we smack a child, even though we condemn violence against children, वो बड़ा अफसोस होता है, बच्चे को थप्पड़ लगा दो तो जिन, तो फिर इस कुछ केसेस में वो जो स्ट्रेस है, वो जो गिल्ट है, वो आपको वो चीज़ रिपीट करने से रोकती है, और कुछ केसेस में अगर गिल्ट और वो चीज़ ना हो तो आप वही गलत काम रिपीट करते रहते हैं, या आप उसको वो समझते ही नहीं है, आप कहते हैं आपको ना एक, कुछ लोग सिडिस्टिक होते हैं, उनको वैसी दे सीक प्लेजर आउट ऑफ यू नो हार्मिंग अदर पीपल, या एक अपना उनको एक सेंस ऑफ प्राइड या उनकी जो सेंस ईगो है वो, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स। वही बात है स्मोकिंग वाली के लेंगे, आपको कोई ना कोई उससे कुछ सेटिस्फैक्शन, कुछ प्लेजर सेंटर्स आपके एक्टिवेट होते हैं तभी आप स्मोक करते हैं ना, तो इसी तरह कोई भी एटीट्यूड होता है वो कोई भी किसी तरह से आपके लिए रिवॉर्डिंग होता है। गलत काम जो आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा उसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, और अगर आप उसको गलत ही समझते रहेंगे तो फिर आप एक डिलेमा में आके, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचता नहीं है इंसान, और फिर वो कहीं ना कोई बहाना, कोई ना कोई हीला, कोई ना कोई हुज्जत निकाल लेता है, और फिर
द मेंटल स्ट्रेस और डिसकंफर्ट एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स टू और मोर कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ्स आइडियाज और वैल्यूज एट द सेम टाइम और इट इज द स्ट्रेस विच इज और अ पर्सन हु इज कन्फ्रंटेड बाय न्यू इन्फॉर्मेशन दैट कन्फ्लिक्ट्स विद देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स आइडियाज और वैल्यूज फिर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाती है. आप सारी जिंदगी या कुछ अरसे तक एक ही चीज़ को बिलीव करते रहे, कोई नया बंदा आपके आइडियाज के खिलाफ कुछ बोलता है तो आपको बड़ी एकदम से ना वो कुछ होना चाहिए जी. और कुछ लोग होते हैं जो एक खास किस्म के अपनी पार्टी से जो अपोजिंग चैनल्स हैं ना टीवी चैनल्स वो भी नहीं देखते, वो टॉक शो वो जैसे अगर जो प्रो पीटीआई है वो जियो देखते हुए उसको गुस्सा होना चाहता है, बंद करो यार इसको ये क्या लगा हुआ, ठीक है. और जो दूसरे वाले हैं वो दूसरी क्यों, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो आपकी बिलीव्स और आपके पूरे मतलब लाइकिंग तो एक चीज़ है ना, आपका बिलीफ सिस्टम एक वैल्यू सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके अगेंस्ट जैसे कोई बात आती है तो हम कहते हैं यार ये क्या है, तो वो जो स्ट्रेस है उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं. Why do we even go as far as defending our actions when we are confronted with their shortcomings? Rather than asking for forgiveness, we embark on one of the more unlikable human attributes, that is self-justification. हम self-justification करते हैं, denial में चले जाते हैं और वो. This acts as a protective mechanism that enables us to sleep at night and free us from self-doubt or guilt or whatever. We see only what we want to see and ignore everything that contradicts our views. हमें आवाज आना समझ आना ही नहीं खत्म हो जाती है दिल में मोहर लग जाती है. वो यही है कि हम बड़ी एक्टिवली ना फिल्टर आउट. अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने नोट किया होगा हम कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक दफा जमाना था जब वो आई थी मित्सुबिशी लैंसर आई थी. अब वो इतनी कॉमन गाड़ी नहीं है तो जब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं लैंसर ले लूँ, मतलब इस बारे में सोचना नहीं शुरू किया था तब तक मुझे सड़क पे कोई लैंसर नज़र नहीं आती थी. लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्शियसली सोचा कि यार लैंसर लेनी चाहिए वो कैसी होती है, तो मुझे हर रोज़ कहीं बाहर से गुजरते हुए कोई ना कोई लैंसर नज़र आ जाती थी. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, इसी को कहने का उल्टी बात यह है कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो हमें नज़र आती है, जो चीज़ हम नहीं देखना चाहते वो हमें नज़र ही नहीं आती. वो वाली इन्फॉर्मेशन, वो वाली लॉजिक, वो वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हमें अपील ही नहीं करती. But how can we overcome this dissonance? Either by changing our behavior or our attitude. यानी कि या हम smoking छोड़ देंगे या फिर behavior है. Smoking is a behavior. या तो हम smoking छोड़ देंगे या फिर हम वही denial में चले जाएंगे, कोई हीला, कोई हुज्जत, कोई एक logic अपने लिए निकाल लेंगे और फिर वो जब भी हमें doubt आएगा ना वो उसको हम repeat करेंगे और फिर वो एक ऐसा होगा कि वो एक हमारे लिए एक universal truth बन जाएगा. हालांकि वो हो सकता है कि वो fact ना हो, वो हमारी created एक. सो दिस इज वर्ड जिस तरह ये है अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं और या फिर नेवर माइंड आई विल फाइंड समवन लाइक यू. सो दिस इज दीज आर द थिंग्स दैट आर कि अब आप उसको फिर स्ट्रेस को ख़त्म कर देते. अच्छा सो पॉइंट वॉज कि यहाँ पर सोर्स ऑफ स्ट्रेस है और या तो ये नेगेटिव हो जाएगा या फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा जिसकी वजह से बैलेंस आ जाएगा. अब इससे होगा क्या, सो फार वी बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल बैलेंस फॉर ग्रुप्स ऑफ थ्री नोड्स बट इट्स इजी टू क्रिएट अ डेफिनेशन दैट नेचुरली जनरलाइजेस दिस टू कंप्यूट ग्राफ्स ऑन एन आर्बिट्री नंबर ऑफ नोड्स with edges labeled positives and negatives. Specifically, we say that labeled complete graph is balanced if every one of its triangles is balanced. That is, if it obeys the following property. for every set of three nodes, if we consider the three edges connecting them, either all of the three edges are positive or else exactly one of them is labeled positive. हमने अभी ट्राइंगल्स देखे हैं नेटवर्क्स के अंदर, जो जो कंप्लीट ग्राफ होगा, जो कंप्लीट ग्राफ होगा जिसमें हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होगी उसके अंदर नेटवर्क ट्राइंगल्स मौजूद होंगे. तो हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ होगा, उसमें देखेंगे कितने ट्राइंगल्स हैं. उन ट्राइंगल्स के अंदर या तो हर ट्राइंगल में सब पॉजिटिव हों या फिर हर ट्राइंगल में एग्जैक्टली वन इज पॉजिटिव एंड टू आर नेगेटिव, क्योंकि हमने बैलेंस को डिफाइन ही ऐसे किया है.
ये बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है, ये बाकी दोनों अनबैलेंस्ड है, तो या ये स्टेट होनी चाहिए हर ट्राइंगल इन द नेटवर्क की, या फिर ये स्टेट होनी चाहिए फॉर एवरी ट्राइंगल इन द, आइदर इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल होना चाहिए। जिसको भी हम देखें नेटवर्क में ट्राइंगल को, वो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसका मतलब है वो पूरा नेटवर्क जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस होने की लॉजिक यह है कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। क्यों? ये दोनों आपस में दोस्त इसलिए हैं, इन दोनों के आपस में दोस्त होने का इनको कोई और नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों इसको हेट करते हैं। ठीक है, इफ पाकिस्तान एंड चाइना आर फ्रेंड्स, अब इन दोनों का कोई एक म्यूचुअल एनिमी अगर लेट सपोज इंडिया है, तो हमें हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है ना। हाँ, हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए आखिरी है जी इसके अंदर ये पॉइंट था कि ये बैलेंस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना किसी भी दो नोड्स के दरमियान ये मोटिवेशन मौजूद है कि वो कोलैबोरेट करें, वो क्योंकि वो दिस देयर इज अ चांस कि ये दोनों कहें कि यार हम दोनों मिलके इसको जरा पहले हैंडल कर लेते हैं, एंड दैट देयर द हेट्रेड ऑफ ए ब्रिंग्स बी एंड सी टुगेदर, दैट इज वाई ये इवेंचुअली होगा। वो कहेगा यार तुम्हें भी वो बहुत बुरा लगता है और मुझे भी वो बहुत बुरा लगता है, तो क्यों ना हम ज्वाइन हैंड्स कर लें। तो ये उसी की एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव या तीनों पॉजिटिव। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी और डी के दरमियान, ये भी बैलेंस्ड है, ए बी और सी वाला ये भी बैलेंस्ड है, तीनों बैलेंस्ड। और यहाँ पे ए बी डी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये नेटवर्क एज इट इज बैलेंस्ड जी। नहीं, ये अलग नेटवर्क है, ए बी सी भी बैलेंस नहीं है क्योंकि ए बी डी भी बैलेंस नहीं है, ए बी डी बैलेंस्ड है, ए बी सी बैलेंस। अब होगा यह कि किसी ना किसी के, अब या क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से कोई ना कोई पोलैरिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से फिर दोबारा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है, कुछ नई टाइज आप डेवलप करते हैं किसी के साथ, तो किसी और के साथ कुछ टाइज सेवर भी हो जाती हैं। हो सकता है कि मल्टीपल इटरेशंस के बाद शायद कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें ये बैलेंस्ड हो जाए। नाउ दैट इज बिल्कुल। अब होगा ये देखें ना, हम बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स जो कि यहाँ पे स्टडी की जा सकती हैं, उसी से हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हैं। अब रियल लाइफ ग्राफ्स जो है वो सारे कनेक्टेड भी नहीं होते, टोटली कंप्लीट भी नहीं होते, ठीक है, इसलिए कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होंगे, नेटवर्क्स भी होंगे जिसमें ट्राइंगल्स नहीं बनते, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो दो देर आर वेज मैथड्स आर देयर विच कैन हेल्प अस यूज़ दिस नॉलेज एंड प्रिडिक्ट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द नेट लिंक्स बिटवीन विद इन अ नेटवर्क, इवन इफ द नेटवर्क इज नॉट कम्प्लीट एंड इवन इफ वी डोंट हैव यू नो ट्राइंगल्स एवरीवेयर। एट अ जनरल लेवल, वट डज अ बैलेंस नेटवर्क लुक लाइक? गिवन एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल, वी कैन चेक ऑल द ट्राइंगल्स टू मेक श्योर दैट द ईच ओबे द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या है? या तो सब पॉजिटिव हों या फिर एग्जैक्टली वन पॉजिटिव हो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नेटवर्क उठाएंगे, उसके सारे ट्राइंगल्स देखेंगे, अगर एक भी ट्राइंगल बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है नेटवर्क बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर अगर 5,000 ट्राइंगल्स हैं, अब तो फिर हम ना अपने आप को एक लेवरेज दे सकते हैं कि यार 5,000 में से अगर 5 बैलेंस नहीं भी हैं तो फिर भी दिस नेटवर्क इज मोर और लेस बैलेंस्ड। लेकिन इन ए स्ट्रिक्ट सेंस इट विल नॉट बी बैलेंस्ड, बट वीकली बैलेंस्ड कह लेंगे। बट इट वुड बी मच बेटर टू हैव अ सिंपल कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ बैलेंस्ड नेटवर्क लुक्स लाइक इन जनरल। वन वे ऑफ फॉर अ नेटवर्क टू बी बैलेंस्ड इज फॉर एवरीवन लाइक्स ईच अदर
this is case all the triangles have three positives. On the other hand, there is a slightly more complicated way for a network to be balanced. The world consists of two groups of mutual friends within mutual friends with complete antagonism. ये थोड़ी सी हम approximation कर रहे हैं. एक हमने बताया कि एक network balanced है जब उसका हर triangle balanced है. एक ये है कि बहुत सारे triangles हैं और बहुत सारा बहुत बड़ा network है, लेकिन ऐसा network है जिसको ऐसे दो groups में हम divide कर सकते हैं. इसमें एक group में सारे आपस में friends हैं, इसमें भी सारे आपस में friend हैं, लेकिन ये इनके दरमियान जो है ना negative polarity है. ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं. तो this is also a balanced network. जो जो triangles हैं sub triangles they are also not they are also negatively. इसके अंदर जितने भी triangles हैं वो सारे positive हैं, all positive. Within this, all positive. But the links between these two are all negative. जिस तरह पाकिस्तान. तो ये जो है ना अब इसके ऊपर ये balance रहेगा. If a labeled complete graph is balanced, then either all pairs of nodes are friends, or else the nodes can be divided into two groups, x and y, such that every pair of nodes in x like each other, every pair of y nodes in y like each other, and everyone in x is the enemy of everyone in y. एक हमने पहले बताया कि हमें एक बड़ा सा नेटवर्क देख के कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, कि हम सारे ट्राइंगल्स देखेंगे और हमें पता चलेगा कि हर ट्राइंगल जो है ना वो बैलेंस्ड है कि नहीं है. दूसरा, उसको विजुअली एक और तरह से भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो हम उसको अरेंज ऐसे करेंगे, नोड्स में अरेंज करेंगे कि नेगेटिव जो है ना वो लिंक्स जो है वो दरमियान में आ जाए. तो इस तरफ पे जो नोड्स होंगी वो भी सारी पॉजिटिव होंगी, इस तरफ की जो नोड्स होंगी वो भी आपस में पॉजिटिवली लिंक्ड होंगी. फिर इससे अगले स्टेप पे चले जाएंगे. ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर मल्टीपल ऐसे ग्रुप्स हैं जो विद इन देमसेल्व्स हैव फ्रेंडशिप्स बट ऑल दीज ग्रुप्स आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अ वीकली बैलेंस्ड नेटवर्क. जी, इसीलिए हम वीकली बैलेंस कर रहे हैं. स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ बैलेंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल इट इज बैलेंस. जिस तरह मैंने बात की कि 5000 में से अगर 50 भी जो ट्राइंगल्स हैं वो बैलेंस नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि यार ये कम से कम बैलेंस. तो दिस इज दैट सिमिलर टू दैट कि 50,000 में से कुछ ऐसे ट्राइंगल्स निकलेंगे, 500 निकलेंगे फॉर एग्जाम्पल, जो कि बैलेंस्ड नहीं होंगे. सो इफ वी लुक, इफ वी कम अक्रॉस ए नेटवर्क जिसके अंदर इस तरह की ग्रुपिंग्स हो रही हो, तो हमें नजर हमें पता चल जाएगा कि ये एक वीकली बैलेंस्ड है. और इसमें फिर हम वही प्रिंसिपल्स जो है नॉट विद द सेम सर्टेनिटी बट विद सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, हम वही प्रिंसिपल जो हम स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड नेटवर्क के ऊपर डाल रहे थे वो हम फिर इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर वो देखें, हम म्यूचुअल फ्रेंड्स को इकट्ठा ही इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फ्यूचर एनालिसिस है ना वो हम कर सकें. अगर हम इनको उस तरह रहने देंगे तो फिर तो वो उसी तरह से एक रैंडम. हाँ, जो जो भाई के अंदर जो दुश्मन होंगे ना वो एक्स में चले जाएंगे ना. बिल्कुल देखिए, ये आइडियल सिचुएशन है बैलेंस. देखिए, हम शुरू जब हुए थे हमने क्या कहा था कि बैलेंस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसी वजह से, क्योंकि बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसीलिए तो बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता. तो दुनिया के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा ना, क्योंकि बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा.
या आपने दे आर बोथ कॉजेज एंड यू नो एफेक्ट्स ऑफ वन अनदर, बैलेंस और इम्बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. तो बैलेंस और, तो क्योंकि ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही. इससे हाँ जी, इसमें मल्टीपल कैटेगरी जी, जो मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो उसमें आपके पास जो सिचुएशन है या फॉर एग्जांपल क्लैरिटी है वो नहीं है कि हु इज गोइंग टू बिहेव लाइक व्हाट. बिल्कुल, उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन है. इस केस के अंदर जितने भी हम, इस केस के अंदर जो भी हम नेटवर्क ट्रायंगल उठाएंगे ना, वो हर एक ट्रायंगल जो है वो बैलेंस्ड होगा. अगर एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सब लोग सब एक दूसरे के दोस्त हैं, वो बैलेंस्ड है. एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो ग्रुप्स हैं, वो विद इन देयर सेल्व्स दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है, वो भी बैलेंस्ड है, क्योंकि वो कंडीशन में ये वो वाली कंडीशन पूरी कर रहे हैं, ये वाली कंडीशंस वो पूरी कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह ये वाला यहां पे भी एक ऐसा होगा. तो ये जो नेगेटिव है ना, अब इसी नेटवर्क को आप इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि जो सारे पॉजिटिव्स है ना वो आपस में इधर आ जाएंगे, एक नेगेटिव यहां पे आ जाएगा और यहां पे ये दोनों अनबैलेंस है, ये दोनों आपने जो बनाए एक ही है प्लस प्लस माइनस अनबैलेंस प्लस माइनस प्लस माइनस जी. ठीक है, अब सही है. ठीक है, और चले अब बैलेंस हो गया. ठीक है, रूल अभी आगे जाके और क्लियर हो जाएगा. रूल है कि एग्जैक्टली वन होना चाहिए पॉजिटिव या सारे पॉजिटिव होने चाहिए. रूल हमने यहां पे लिखा था, फॉर एवरी सेट ऑफ थ्री नोड्स इफ यू कंसिडर थ्री एजेस आइदर ऑल ऑफ द थ्री एजेस आर पॉजिटिव और एल्स एग्जैक्टली वन इज पॉजिटिव. अच्छा, हमें वीकली बैलेंस को देख लिया ना, इसको हम आगे भी मजीद देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी कर भी ली है, हैज ग्रोन इनटू अ लार्ज एरिया ऑफ स्टडी एंड वी हैव ओनली डिस्क्राइब्ड सिंपल सेंट्रल एग्जांपल. देयर आर टू एक्सटेंशंस ऑफ द बेसिक थ्योरी, वन टू हैंडल ग्राफ्स दैट आर नॉट कंप्लीट एंड वन टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ग्राफ दैट आर अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड. सो हमने एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन किया कि जी सारे ट्राइंगल बैलेंस्ड होने चाहिए, या तो अप्रोक्सीमेटली जो दरमियान के जो केसेस हैं उनको भी रिसर्च हो रही है. देर आर ऑल्सो हैव बीन रिसेंट रिसर्च लुकिंग एट द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बैलेंस थ्योरी मॉडलिंग हाउ द सेट ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड एंटागनिजम्स इन अ कंप्लीट ग्राफ माइट इवॉल्व ओवर टाइम एज अ सोशल नेटवर्क इम्प्लिसिटली सीक्स आउट स्ट्रक्चरल बैलेंस. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट्स अ सेटिंग इन विच इट्स नेचुरल टू अज्यूम दैट अ कलेक्शन of nodes all have opinions about another. Here the nodes are nations and plus and minus indicate alliances or animosity. Research in political science has shown the structural balance can sometimes provide an effective explanation of behavior of nations during various international crises. So as it is kehne ko hum kisi mulk ke dushman ya dost nahi hote, देर आर इशूज़ के ऊपर स्टांस होता है कि इस इशू पे आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, और इस इशू पे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मूर डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट ओवर बांग्लादेश सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन 1972 एक्सप्लिसिटली इनवोक्स स्ट्रक्चरल बैलेंस थ्योरी व्हेन ही राइट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स समवट सरप्राइजिंग सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिकम्स लेस सरप्राइजिंग when one considers that the USSR was China's enemy. ये पाकिस्तान है, USSR है, चाइना है, आ,
China was India's enemy. And India has traditionally been divided in Pakistan since the US was at that time improving its relationships with China. Yeah, Russia. ये चाह रहा था कि मैं चाइना के साथ इम्प्रूव करूं. अब इस ट्रायंगल को देखें, ये दो पॉजिटिव्स हैं, तो अगर इसको इसने बैलेंस करना है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है. तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, तो और पाकिस्तान और यूएसएसआर का अगर लिंक तो फिर भी बैलेंस है सब कुछ. सो एक इशू को लें और नेटवर्क ग्राफ ड्रॉ करें, तो जिस की पोलैरिटी आपको नहीं पता, आप में जज करना है. कल वोटिंग हो रही है फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में, तो आप जज कर सकते हैं कि अग खैर वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब हो जाती है जब आपने एब्सटेन भी करना हो. तो एब्सटेन जो है करना जो है वो खुली मतलब मुखालफत नहीं है, बट स्टिल इट्स अ काइंड ऑफ वो दोनों के साथ नेगेटिव जा रहा है. तो स्ट्रक्चरल बैलेंस की जो स्टडी है उससे आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि यू कैन प्रिडिक्ट जहाँ पर आपको पोलैरिटी का नहीं पता, वो आप पोलैरिटी जज कर सकते हैं. और अगर आपको तमाम पोलैरिटीज़ का पता है लेकिन वो स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस्ड है, तो आपको पता है कि उसने बैलेंस सीक करना है. तो जिस जी ये माइनस है, ये माइनस है. इसका मतलब है कि ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस कम इन एंड पुश इट इनटू इंबैलेंस. इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है सिस्टम के अंदर एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो कि उसको इंबैलेंस के जी उसको बैलेंस की तरफ लेके जाएगा. तो जी बिल्कुल, अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जैसे वो हमने कहा था कि सो लेट्स सपोज ये पाकिस्तान जो है ना इसके अंदर ये तो रीजनल वो आ गया ना, तो अब आ गया जी अफगानिस्तान. ठीक है, मजा तब आएगा कि जब हम पाकिस्तान को तीन या चार नोड्स में डिवाइड करके दिखाएंगे, अफगानिस्तान को दो नोड्स में डिवाइड करेंगे, इंडिया एक ही होगा और चाइना भी शायद एक ही होगा, चाइना भी एक हो जाएगा, तो फिर एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. और फिर ये है कि अभी तो हम सिंपल बात कर रहे हैं ना, हमने कह दिया ये नेगेटिव है. जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेगेटिव भी स्ट्रांग है या वीक है, उसके साथ भी हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं, और फिर देन वी डिफाइन, फिर हम वो गेम थ्योरी के अंदर चले जाएंगे, फिर वो गेम डिफाइन करेगी कि इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकलना है. Restricting ourselves to this point, our desired outcome it has to be a balance. This also reinforces the fact that structural balance is not necessarily a good thing. क्यों अच्छी बात नहीं है? Status quo maintain रहेगा, जो आपका दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा, जो दोस्त है वो दोस्त ही रहेगा. Since its global outcome is often too implacably opposing alliance, जो bipolar world की हम बात करते हैं, the search for balance in a system can sometimes be seen as a slide into a hard to resolve opposition between two sides. तो
बैलेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त इन ऑल केसेस अच्छी बात हो. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी अगर दो हिस्सों में, दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो जाता है, तो देन वन पार्ट, वो जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि पाकिस्तान को भी आप दो नोड्स से अगर रिप्रेजेंट करें या तीन नोड्स से रिप्रेजेंट करें, तो फिर ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, था ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, और चलो ये इसको हम वेस्ट पाकिस्तान कह देते हैं, और अब इसकी रिलेशनशिप यूं थी पहले, या तो ये पॉजिटिव हो जाता या फिर ये पॉजिटिव हो जाता, सिस्टम ने बैलेंस की तरफ जाना जरूर था. हमारे लिए ये था कि ये बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन अगर दो कबीले हैं वो आपस में दुश्मनी है, तो क्या उनके लिए ये डिजायर्ड है कि वो आपस में, देर हैज टू बी सम चेंज, कि वो, क्योंकि बैलेंस का एक ये भी है ना, वो जो हमने वो एग्जांपल दी थी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सब आपस में दोस्त हैं, ठीक है, ये सारे आपस में दोस्त हैं और ये सारे आपस में दुश्मन हैं, ठीक है, तो वो इन दोनों के दरमियान जो एनिमोसिटी है वो भी एक, अभी तक इस केस के अंदर तो ठीक है, या तो वो आपस में लड़ते रहेंगे या यानी कि ओवर जनरेशन इनके दरमियान फॉर एग्जांपल फाइटिंग होती रहेगी. ये और इसके अलावा ये भी होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो वो उसी तरह से इन दोनों की एनिमोसिटी को, इसको भी आर्म सेल करेगा और इसको भी आर्म सेल करेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन सीक्रेटली पता नहीं चलेगा. और अगर क्या, लेकिन जब अगर आप हिस्ट्री देखें, मुझे एग्जैक्टली इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन विद इन अफगानिस्तान भी जो एक छोटे से टाइम के लिए सारे वो इकट्ठे हुए थे, यूनाइट हुए थे, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो वो दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक वो पश्तो स्पीकिंग और एक वो जो उज़्बक और जो पर्शियन स्पीकिंग, तो वो इन्हीं के आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन्हीं को लोग फिर जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो, बिल्कुल चलेंगे हम थोड़ा सा देख. और इंडिया हैज टू बिकम पॉजिटिव, और हां इंडिया अगर पॉजिटिव होता तब भी वो बैलेंस नहीं है ना, नहीं होता, और पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव, हां फिर पॉजिटिव, दूसरा लाइफ आप भी जैसे भाई डान इंडिया पॉजिटिव फुल बी ऑल पॉजिटिव, इंडिया चाइना नेगेटिव एंड यूएस भी गेट, इंडिया चाइना नेगेटिव है जी सर, ये सिचुएशन है. अच्छा अभी इसमें से कौन सा ट्रायंगल बैलेंस, ये वाला बैलेंस्ड है, ऊपर वाला बैलेंस नहीं है, पाकिस्तान और ईरान नेगेटिव है सर, अभी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है.
वो रेरा तो पाकिस्तान भी ज़्यादा भी नेगेटिव है। तो अगर पाकिस्तान चाइना और यूएस को देखें तो अब बैलेंस हो गया, यूएस को सपोर्ट करना पड़ेगा सीपैक को। नहीं अभी अगर इसी को देखते हैं, बैलेंस हो गया सर, बैलेंस होने का वो मैं मेरी अभी तक क्लियर नहीं हो रही चीज़ क्या मकसद हो सर। ईरान और पाकिस्तान विल हैपन, नथिंग विल हैपन, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं कहूँगा ही इज ए बैलेंस है, इसका मतलब कि इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया सारे। ये जो सी पैक के हम एक इशू पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सी पैक अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं ना, किसी मामले में पाकिस्तान ईरान का दोस्त भी तो है ना, तो हम वो उसको होलिस्टिकली नहीं देख सकते। सी पैक के मामले में फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है तो ये सस्टेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये यूं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सी पैक के मामले में ईरान हमें सपोर्ट कर रहा होता तो इंडिया के साथ उसकी दोस्ती खराब होनी थी। लेकिन सर जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, जो इसको अगर नेटवर्क की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन तो एग्जैक्टली ऐसी है, जैसे मैडम ने कहा कि वो पाकिस्तान और ईरान पॉजिटिव है। नहीं है पॉजिटिव, वो चाह बहार जो है वो उसके बाद जो जो डेवलपमेंट्स अभी हो रही है उसकी बेस पे भी ईरान का जो स्टांस था वो ईरान का स्टांस इज गॉन विद रीसेंट ऑपरेशनलाइजेशन। एक तो एलिमेंट ये होगा, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है अगर आप सारे फैक्ट्स को अगर करें, प्रोबेबिलिटी ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नहीं है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव है, वी अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव। अच्छा अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो सर कर रहे हैं, जो जो सर ने बात की कि अब इसमें मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि ये नेटवर्क जो है ये अनबैलेंस्ड है राइट नाउ, इट हैज टू गो, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। अब जो इंडिया वाला एलिमेंट है या तो ये पॉजिटिव होगा तब बैलेंस होता है, या फॉर एग्जांपल ईरान और पाकिस्तान है इसको अगर आप नेगेटिव करें तब बैलेंस होता है। तो दिस या ये पॉजिटिव हो जाएगा या ये नेगेटिव हो जाएगा, या ये पॉजिटिव हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा, या पाकिस्तान ईरान वाला नेगेटिव हो जाएगा, टू टू नेगेटिव्स, नेगेटिव्स एंड वन पॉजिटिव। जैसे अभी सिचुएशन अब पॉइंट ये है, अब पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन में द वन हु इज एक्चुअली बीइंग प्रेशराइज्ड और फीलिंग के वो नेटवर्क बाकी सारा मैं अनबैलेंस फील कर रहा हूँ, विच इज इन दिस केस इंडिया, दे हैव टू डिसाइड, उनकी अपनी गेम है। फॉर एग्जांपल दे वो कहते हैं कि हम विल मेक श्योर कि ईरान जो है ना दे डोंट बिकम पॉजिटिव विद पाकिस्तान, तो वो नेगेटिव हो जाएगा तब भी बैलेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यूएसएसआर का है जिसमें यूएसएसआर इज ट्राइंग टू बिकम पॉजिटिव विद पाकिस्तान एंड इंडिया इज ट्राइंग टू नेगेटिव। तो ये उस एंगल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ आ रही है कि वो अगर आप इसको देखेंगे तो जो मैंने उस वक्त कहा कि अगर हम यहाँ तक इसकी बात करें तो यहाँ तक बात समझ आती है कि अगर अनबैलेंस है तो इट हैज टू बिकम बैलेंस्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बैलेंस होगा तो तब आप स्टेटस को अचीव करेंगे और जो भी डिजायर्ड आउटकम है आपकी वो आपको स्ट्रेस क्रिएट इन इंडिया की तरफ। तो वहाँ पे आपको दो नेगेटिव्स लगने होंगे चले जनाब ब्रेक से पहले हम अपने जी अजय नईम साहब